जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ। आप सभी कैसे हो मित्रों? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और हमेशा हंसते खेलते रहेगा। तो आज का और एक बढ़िया सा सुंदर सा वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। और देखिए, लास्ट टाइम मैंने मेरे बेडरूम का जो एक वॉल पर जो अच्छा सा मैंने पेंटिंग किया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि उसी के साइड में जो मैंने थोड़ा बहुत डेकोर किया है, उसके बारे में शेयर करना पसंद करूँगी दोस्तों। और किस तरह से मैंने वो डेकोर किया है, उसके बारे में भी बताऊँगी आप लोगों से। तो ये रहा वह, ये मैंने खुद एक्चुअली, मेरे पास एक फ्रेम थी दोस्तों, जिसमें मैंने एक फ़ोटो, मेरा मतलब एक अवार्ड जो मिला था, वो अवार्ड रिसीव करते हुए मैंने फ़ोटो, वो अवार्ड की फ़ोटो मैंने इसमें डाली थी। तो बाद में वो फ़ोटो निकाला और इसमें मैंने सोचा ये वाला मैं पोस्टर डिज़ाइन करूँगी और डालूँगी करके, ताकि बेडरूम में जब भी कभी हम आएँ तो हमें ये देखने को मिले कि अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए, क्योंकि विजेता तो वही होता है जो ड्रीम करता रहता है एंड कभी भी कुछ भी गिव अप नहीं करता है लाइफ में, उसी को हम विनर बोलते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी दोस्तों, तो मैंने इसे इस फ्रेम में डाल दिया। फ्रेम है बहुत ही सुंदर, इस गोल्डन आउटलाइन है इसका दोस्तों, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जो इसमें अंदर कलर डाले, एक्चुअली वो होते हैं थोड़े से शाइन, वो शाइन होते हैं, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है ठीक तरह से, लेकिन वो शाइन होते हैं, वो जेल वाले पेंट्स कलर्स जो आते हैं, जेल पेंट्स जैसे वो वाले हैं, उसमें मैंने वो किया है। और राइट हैंड साइड में उसको एक्चुअली फ्लावर्स वगैरह मैंने डिज़ाइन किया, जो दिख नहीं पा रहा है ठीक तरह से, क्योंकि फ्रेम को सुंदर सी डिज़ाइन है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइन दिया गया है उस वजह से, और पूरा का पूरा गोल्डन में है, सिर्फ ये जो है जो डायमंड टाइप के हैं वो रेड कलर में है। और बहुत ही सुंदर फ्रेम है दोस्तों। अगर ये मैंने कहाँ से लिया, तो आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये जो वो हम 99 और 65 जो भी वहाँ पर मिलता है, 99 को और 65 रुपीज़ में मिलता है, उस शॉप में से हमने लिया था। और यहाँ पर रखा है मैंने सॉफ्ट टॉय, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देखिए देखिए देखिए। और ये भी हमारे दिगंबर का है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं सॉफ्ट टॉयज दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ये रखा है। और डी आई वाइज हमें होम डेकोर जो भी है, मैं चेंजेस करती रहती हूँ दोस्तों, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि सालों तक एक ही डेकोर रहेगा, ऐसा नहीं है, चेंजेस कुछ कुछ करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि चेंजेस करने पर आपका घर नया नया सा लगने लगता है। और कभी ये एक तरह का डेकोर करेंगे, कभी दूसरी तरह का डेकोर करेंगे, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है घर, और एक रिफ्रेशमेंट जैसे, मतलब रिफ्रेश होता है मन। तो पहले एक तरह का डेकोर रखिए, बाद में थोड़ा चेंजेस करिए, दूसरे तरह का डेकोर आप रख सकते हैं, होम डेकोर चेंजेस कर सकते हैं, बाद में पहली वाली चीज़ जो रखी थी वो रख कर उसमें थोड़ा दूसरा एडिशन कर सकते हैं, दूसरी वाली चीज़ें रख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी जो डेकोरेशंस के आइटम है वो आराम से आप अच्छे से रख सकते हैं। तो और जो इस फ्रेम के पीछे जो है, वो मेरे मनी प्लांट के कुछ कलेक्शन है, जो मैंने आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया था कि मुझे मनी प्लांट वगैरह रखने को बहुत पसंद है। और ये रही एक छोटी सी घड़ी, अलार्म क्लॉक जिसे हम बोलते हैं, अलार्म इसमें बजता है, ये मुझे दी है मेरे भाई ने, क्योंकि उसे पसंद है, मुझे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह बहुत पसंद है, पू, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, प्लूटो, ऐसी वाली डिज्नी के जो भी है कैरेक्टर्स और सॉफ्ट टॉयज़, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है पहले से ही। और अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है, और मैं मेरी मासूमियत हमेशा ऐसे ही रखना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही मासूम हो, बच्चे की तरह हो। जी हाँ, मैं हूँ तो हूँ, और मुझे इसमें बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, अपनी मासूमियत को कभी मत खोने देना, क्योंकि इसी से बनता है सब कुछ दोस्तों। हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं, और सिर्फ बोलते हैं कि जिम्मेदारी जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारियों को निभाना भी तो पड़ता ही है दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट होता है दोस्तों, जो हमें अच्छे से करना पड़ता है। और भगवान अगर अपने साथ हो ना, भगवान अगर अपना अच्छा दोस्त हो ना, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ कि भगवान को अपना सच्चा मित्र मानिए, सच्चे मन से सेवा कीजिए, गरीबी अमीरी वह नहीं देखता है, किस जात के आप हो,
किस धर्म के आप हो यह वह नहीं देखता है, उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आती है और वो है आपकी सच्ची भावना, आपकी सच्चाई, आपके सच्चे कर्म और मेहनत, और नेचुरली आपकी प्रेम भावना से किया गया हुआ काम और सेवा, तो वही देखते हैं वो। तो प्रेम भावना से उनकी सेवा कीजिए, हमेशा सभी के साथ प्रेम भावना से रहिए और फिर देखिए लाइफ बहुत ही सुंदर लगने लगती है। तो जैसा कि मैंने कहा है, मेरे भाई ने दी है मुझे वॉच जो है मेरे मन के बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज, और येलो कलर की है दोस्तों। इसमें पू बनाया है, देखिए पू की पेंटिंग है, और पू अपना जो है हनी यानी कि शहद लेकर बैठा है आराम से, साइड में है एक टाइगर, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और साइड में मैंने जो डेकोर बनाया है यानी कि DIY, उसके बारे में भी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी किस तरह से मैंने किया है, क्या किया है। और इसके पीछे जो है मेरा मनी प्लांट का कलेक्शन है, और वो देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं तो वो बेस्ट विशेज़ वाला जो एक मग है मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पर, तो वो उसमें मैंने डालकर रखा है। ग्लास वाजिज में जो है जो मैंने उन्हें सजा कर रखा है दोस्तों। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने एक बार क्या किया था कि मैंने उनको ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही ग्लासेस में रखा था और फ्रेम साइड में रखी थी और वो पूरे के पूरे ग्लासेस दिखते थे। तो अभी मैंने थोड़ा चेंजेस किया और फ्रेम आगे थोड़ा लेकर, मतलब फ्रेम आगे ही थी एक्चुअली, और साइड में जो एक छोटू सा टेडी है जो हमारा दिगंबर का टॉय है, सॉफ्ट टॉय, उसे रखा है। ये मोटू वाले टॉय को रखा है सॉफ्ट टॉय को, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डेकोर किया है। और अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लगाया है लटकन टाइप की कुछ चीज़ें जो ऐसे हैंग करती हैं, एक्चुअली तोरण है दोस्तों। इसका कलर ग्रीन है पत्तों का, और इसका है फ्लोरेसेंट, इसका है थोड़ा सा येलो ऑरेंज, और इसका ग्रीन है, और इसका जो ऊपर का जो है बॉर्डर जैसा ऊपर का वो है फ्लोरेसेंट कलर में। ये तोरण टाइप का है जो दरवाज़ों पर वगैरह लगाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इसे, तो इसे मैंने यहाँ पर डेकोर के रूप में लगाया है। इसके नीचे तो है हमारा जो टेबल फ़ैन है, या इस रूम में AC भी है, और टेबल फ़ैन कभी भी अच्छा पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो लगती है दोस्तों यहाँ पर AC डालने के बाद। ये है नीचे इसका जो वुड का जो है वो है, और इस पर मैंने डाला है ये वाला क्लॉथ जो जिसका बॉर्डर बहुत ही शाइनिंग है। इसमें जो वर्क किया गया है वो थ्रेड का, गोल्डन थ्रेड का है, और इसका जो ऊपरी भाग जो है आप देख सकते हैं वो है पैरेट ग्रीन कलर में, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली पैरेट ग्रीन नहीं है लेकिन पैरेट ग्रीन टाइप का है। और इस पर छोड़े गए हैं स्ट्रिंग लाइट्स जो बहुत ही मुझे पसंद है, और ऐसा नहीं है कि है हम वीडियो शूट करने के समय ही इसे ऑन करते हैं, नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, इसे हम पूरा दिन ऑन किए रखते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, और कभी कभी बंद करते हैं लेकिन ये ऑन ही रहता है ज़्यादातर, और बहुत ही अच्छी लुक आती है दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, साथ ही में वो नोटिफिकेशन बेल बटन जो टिंग टोंग है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे ज़रूर देख पाओ अच्छे से, पहले ही आपको वह वीडियो देखने को मिले। तो अगर यह वीडियो लाइक होती है तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, कॉमेंट ज़रूर करके लिखना कि आपको कैसे लगी ये वीडियो, और इस चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव के से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल की एक फैमिली बनेगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली बनेगा दोस्तों। और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, बाय।